आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर दरोगा द्वारा कार्यकर्ता के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए एतमादपुर थाने का घेराव कर दिया गया। घेराव के दौरान भाजपाइयों ने जमकर हंगामा काटा तो वहीं विधायक के द्वारा आश्वासन के बाद भाजपाई शांत हुए। एतमादपुर थाना क्षेत्र के निवासी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भोला त्यागी का कहना था कि वे अपने भाई से संबंधित एक शिकायत के मामले में जानकारी करने के लिए थाने पहुंचे थे तो वहां मौजूद दरोगा सचिन जावड़ा द्वारा गालियां व अभद्रता करते हुए उन्हें हवालात में बंद कर दिया और जमकर मारपीट भी की। इतना ही नहीं, शांति भंग की धारा में भाजपा कार्यकर्ता भोला त्यागी को जेल भेज दिया। हमने कल एक तहरीर दी थी थाने यानापुर नगर में जी, और इस संबंध में मैं जानकारी लेने गया था एसआई सचिन जावड़ा जी से, तो उन्होंने जानकारी के संबंध में गालियां दी बत्ती बत्ती और उन्होंने पीटा, पीट करके 191 चालान किया। इसकी जानकारी होने पर एतमादपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह द्वारा फोन पर दरोगा पर कार्यवाही होने के आश्वासन के बाद ही भाजपाई शांत हुए। सी न्यूज के लिए आजाद सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट।